आइए विद्यार्थियों, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे गणित, कक्षा 7 का गणित। और ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, अध्याय हम देख रहे हैं 2, अध्याय 2 देख रहे हैं। और इसमें आज अध्याय 2 को कंप्लीट कर देंगे, 2.4 पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये जो हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं वो भिन्न है, भिन्न भिन्न, अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं, आज कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान निकालना है। ये क्या चीज का चीज है, भागा का चीज है। क्या चीज का चीज है, भागा का। इसका मान कैसे निकालेंगे, भागा को हम चेंज करेंगे गुना में, और जब गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, बस यही अंतर है। तो शुरू करते हैं, देखिए पहला है 15 भागा 1/3, तो ये इसको हम कैसे बनाएंगे, 15 भागा 1/3 जो है 15 है, तो इसको गुनाम करेंगे, भागा को गुनाम करेंगे तो ये 3 है सो ऊपर चला जाएगा और 1 है सो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 गुने 3 करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 एकम 15 है, नीचे 1 है, 1 गुने 1 और 15 3 45, तो 45/1, तो 45/1 नहीं लिखना है क्योंकि 1 शोभा नहीं दे रहा। ये जब 45 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि खुद ये इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 45। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 21 भागा 7/9, तो 21 भागा को क्या करेंगे, गुना बदलेंगे और 9 है से ऊपर चला जाएगा, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे काट सकते हैं क्योंकि ये ऊपर है, ये जो बटा 1 दिए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम साबित किए कि ये ऊपर है, तो 7 एकम 7 7 3 21, तो इसको गुना करेंगे 9 3 27, तो आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ देखिए 18 है, तो 18 भागा को गुना बदलेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि भागा जो है से 2/3 का ही ची है, और इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, प्लस, ठीक है। तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, है ना। ये काटेंगे 9 2 18 2 1 2, तो क्या बचेगा, 9 3 27 27 आंसर बटा 1, तो 27/1 मतलब 27 लिख रहे हैं, मतलब 27/1 ही है। अब यहाँ देखेंगे 24 है, 24 इसको भागा को गुना बदलेंगे 13 ऊपर जाएगा और नीचे क्या जाएगा, 3, मतलब हर जो है से ऊपर चला जाएगा, अंश है से नीचे आ जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3 3 8 24, है ना, 8 गुने 13 हुआ, तो 13 को पढ़ना पड़ेगा 8 बार, तो कितना होगा, 13 5 65 76 78 77 91 13 74 से मतलब 104 आंसर होगा, गुना करके देखेंगे मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, 25 भागा 1/3, तो 25 को हम गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 1 है से नीचे आएगा, अब 25 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 3 75, क्या आएगा, 75 कैसा है, 25 को गुना में 3 से करेंगे तो 25 3 75/1, मतलब 75 ही आंसर आएगा। इसको देखेंगे 5, अब यहाँ देखेंगे पूर्णांक है ना, पहले इसको तोड़ लेते हैं, 2 3 6 और 1 7, 7/3 गुना तोड़ने जा रहे हैं कि इसके बीच में क्या करते हैं, गुना करते हैं, और जो गुणनफल आता है उसको क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, तो 3 2 6 और 1 है तो 7 हुआ, तो 7/3 ये भागा है तो भागा दे दिए। अब क्या करेंगे, 5 को गुना आपका क्या करेंगे, भागा गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, ठीक है। और ऊपर ऊपर गुना होगा तो 5 3 15 और 7, 15/7 ये आंसर हुआ। अब यहाँ देखिए 3 भागा है 3 भागा, इसको पूर्णांक है, ये पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 3 9, क्या करते हैं, इसके गुना करते हैं और जो गुणनफल आएगा उसमें जोड़ देंगे, तो 3 3 9 और 1 10, 10/3 10/3। अब क्या करेंगे, ये भागा है इसको गुना करेंगे, गुना करने के लिए 3 है से ऊपर जाएगा और 10 है से नीचे आएगा, ठीक है, 10/3 हुआ, तो यहाँ क्या होगा, 3/10। अब ये ऊपर नीचे कटना चाहिए, ऐसे से नहीं कटेगा क्योंकि ये ऊपर ही है ना, तो 3 3 9 गुना कर देंगे तो 9/10 ये आंसर हुआ, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि 7 भागा 2 पुनः 1/3 है, तो 7 पहले भागा ही देते हैं, इसको पूर्णांक को तोड़ते हैं, 3 2 6 और 1 7, 7/3 आया। अब क्या करेंगे, 7 भागा को गुना करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और नीचे है 7 आ जाएगा, तो 7 एकम 7 कट गया, तो क्या बचा है, 3 आया आंसर। इस तरह से हम देख लिए एक्सरसाइज 2.4 का पहला का जितने भी क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट देख लिए। यदि आप इसको पीडीएफ आप देखना चाहते हैं, इस स्क्रीनशॉट का पीडीएफ आप देखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम
ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है VK AD5। क्या नाम है? VK AD5। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल नाम है ना, चैनल का नाम है टेलीग्राम में। इसको आप जुड़ जाएंगे, इसको क्या होगा, इसका PDF फॉर्म उसमें भेज देंगे। कैसा लगा? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको लिखना है व्युत्क्रम। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम इसका होता है उल्टा लिखना है, नीचे वाला को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, ठीक है, उल्टा। और उसके बाद जब ये कर लेंगे तो क्या करना है, व्युत्क्रम को उचित भिन्न विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या में लिखना है। तो उचित भिन्न किसको बोलते हैं? कोई भी भिन्न होगा तो अंश बटा हर होता है, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं। तो जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। विषम भिन्न किसको बोलेंगे? जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उसको बोलते हैं विषम भिन्न। चलिए पहले हम व्युत्क्रम सजाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे कि आंसर बना रहे हैं ना। आंसर पहले व्युत्क्रम क्या करा, पहले व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम। पहला का व्युत्क्रम देखिए, 2/5 है, क्या है, 2/5 है, तो क्या हो जाएगा, 5/2, क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला का नीचे कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे। अब देखिए दूसरा 6/7 है तो क्या हो जाएगा, 7/6। तीसरा 7/9 है तो क्या हो जाएगा, 9/7। चौथा देखिए 1/6 है तो 6/1, ठीक है। पंचमा क्या, 18/7 है तो 7/18 हो जाएगा। सातवां देखिए, नहीं छठा है, छठा देखिए 12/5 है तो 5/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे, अब पंचमा हो गया, छठा हो गया, सातवां देखिए, सातवां क्या, 3/2 है, 3/2 तो क्या हो जाएगा, 2/3, ऊपर चला जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। फिर आठवां देखिए, आठवां क्या है, 13/4 है तो 4/13 हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा। अब देखेंगे नौमा है, नौमा क्या करेंगे, 15/4 है तो 4/15 हो जाएगा, 4/15। और दसवां है, 1/7 है तो 7/1, ठीक है, तो 7/1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7। 7/1 को क्या लिखेंगे? 7। और 6/1 को क्या लिखेंगे? 6। समझ गए, क्योंकि एक नीचे तो कोई उसका माँ बाप नहीं है। अब देखेंगे, ये तो बना लिए, व्युत्क्रम लिख लिए, सभी का व्युत्क्रम लिखे। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, व्युत्क्रम को उचित भिन्न विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे उचित भिन्न, है ना, उचित भिन्न, उचित भिन्न। तो आप समझिए उचित भिन्न किसको कहते हैं, उचित भिन्न हम उसको कहते हैं जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो यह छाटिए कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, देखो अंश छोटा है हर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा 5/2, क्या है, पहले उचित भिन्न, उसके बाद लिखेंगे विषम भिन्न, उसके बाद लिखेंगे क्या लिखा है, विषम भिन्न, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब यहां छाड़ते हैं, उचित भिन्न किसको कहते हैं, जब अंश बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा देखिए ये क्या 5/2 है तो अंश बड़ा है हर छोटा है, छाड़ जाते हैं 5/2, ये क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया, क्या हुआ, विषम भिन्न, तो ये हो गया 5/2। उसके बाद 7/6, अंश बड़ा है तो दूसरा हो जाएगा 7/6, तीसरा क्या हो जाएगा, 9/7, यही हो जाएगा आंसर, विषम भिन्न में हो जाएगा। चौथा देखिए 6/1 मतलब 6 है, ठीक है, 6 है तो ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो जीरो से शुरू होती है, जो संख्या जीरो से शुरू होती है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जीरो से संख्या शुरू होकर इसमें 6 भी आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 मतलब कैमा है चौथा, ठीक है। पांचवा देखिए 7/18, अंश छोटा है हर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पांचवा 7/18, ठीक है, 5/12 इसी में हो जाएगा, छठा में 5/12। उसके बाद 2/3 इसी में हो जाएगा, 2/3। 4/13 इसी में हो जाएगा, उचित भिन्न में आठवा है ना, 4/13। उसके बाद नौवा देखिए 4/15, 4/15। उसके बाद 7 है ना, 7 क्या हो जाएगा,
पूर्ण संख्या। इस तरह से देख लें, उचित भिन्न ये सब है, विषम भिन्न ये सब है, और पूर्ण संख्या 6 और 7 है। इस तरह से कंप्लीट हो गया। यदि इसका आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या है, VKED5 है ना, ED5 टेलीग्राम चैनल का नाम है VKED5। इस पर आप, आपको हम भेज देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम फ्री माइंड से पढ़ेंगे, है ना। चाहे आइए, क्वेश्चन 3 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह से जो पहला बनाए थे, पहला में क्या था कि ये भिन्न से इधर था, है ना, अब है ये भिन्न इधर है, मतलब भागा ये है, मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं कि 7/5 भागा 1 14/1, ऐसा हम करेंगे तो समझ में आएगा। कैसे आएगा, देखिए 7/5 भागा को क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना, गुना में, और ये जो नीचे 1 है वो 14 का ऊपर हो जाएगा, 1/14, ठीक है, मतलब हर है से अंश बन गया, अंश है से हर बन गया, बस यही है। इसको काटिए, 7 × 7 = 14, तो 1 × 1 और 5 × 10, यही आंसर हुआ, ठीक है। आप यहां देखेंगे इसको कि 6/14 गुना करेंगे तो 1 नीचे आएगा तो ऊपर का हो जाएगा, 1 चला जाएगा और 21 नीचे आएगा, कटेगा, 2 × 3 = 6, 7 × 21 अब नहीं कटेगा, कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो 1/1 × 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और 7 × 7 करेंगे तो 49, ठीक है। इसको देखिए, पूर्णांक इसको तोड़िए, पूर्णांक कैसे करते हैं, तोड़ते हैं, 4 × 8 इसको गुना करते हैं, जो गुणनफल आएगा 1 में जोड़ देंगे, तो 4 × 8 = 1, 9, 9/2, ठीक है, 9/2 भागा 36, चलिए इसको करते हैं, 9/2/1 करते हैं, 36/1 गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 36 नीचे आएगा, काटेंगे, 9 × 9 = 36, क्या 1/8 आया, क्या आया, 1/8। यहाँ देखिए इसको, 22/28 है, 22/28 4/1 करते हैं तो गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो काटिए इसको, 2 × 4 = 11, 2 × 22 11 × 1 से करेंगे तो 11 आएगा, 8 × 2 से करेंगे 8 × 2 = 16 आएगा, 11/16, ठीक है, एकदम आसान है। यहाँ देखिए 5 × 1/3 पूर्णांक तोड़िए, 3 × 5 = 15 + 16 16/3 भागा 4/1 करते हैं, है ना, समझने के लिए 16/3 गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 4 × 4 = 16, तो क्या आएगा, 4/3 आंसर हो जाएगा, 9/14 और भागा है तो उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, 3 × 9 = 4, 12, तो क्या होगा, 3 × 3 = 1 से करेंगे 3 आएगा, और 14 × 4 से करेंगे तो 14 × 28 = 56, कितना आएगा, 3/56 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए पूर्णांक है, इसको तोड़ेंगे पूर्णांक को तो 4 × 8 = 32 और 3 × 35 = 35/4, है ना, और भागा 105/1 करते हैं, क्योंकि 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 35/4 × 1/105, ठीक है, काटिए इसको, 7 × 5 = 35, 21 × 5 = 75 से 7 × 7 = 3, 7 × 21 कट गया, 1 गुना करेंगे 1 आएगा, 4 × 3 = 12, 1/12 आंसर। अब यहाँ देखेंगे इसको गुना करेंगे, 11 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा, 13 × 13 = 3, 3 × 4 = 143 आएगा, 143 तीन जोड़ेंगे, 143 × 146/13, इसको गुना किए, इसको जोड़ दिए, है ना, 143 आया, और 13 भागा 14/1 करते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, तो 146/13 गुना 1 ऊपर जाएगा तो 14 नीचे आ जाएगा, कटेगा, ये कटना चाहिए, 7 × 14 = 2 करते हैं, 73 आएगा, है ना, 7 का पावर 73 आएगा, नहीं आएगा, तो आंसर होगा 73/13, ये सॉल्व हो गया, क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का नाम है VK85, है ना, बस इस पर आप जुड़ जाइए और यहां से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। आगे क्वेश्चन बनाते हैं, चौथा क्वेश्चन है, चौथा आपके सामने उपस्थित है, चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उसको चौका मार के उसको भगा देते हैं, है ना, आउट करते हैं। चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है, 3/5 भागा है तो इसको गुना बदलेंगे, 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये कट रहा है, ऐसे से कट रहा है, ऐसे से कट रहा है, नहीं कट रहा है,
तो 3 × 6 = 18 और 5 × 5 = 25 आंसर। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि 4/9 है, भागा गुना करेंगे 36 ऊपर जाएगा 16 नीचे आएगा, 4 × 4 = 16, 9 × 9 = 36, तो 4 ऊपर और 4 नीचे ये भी कट जाएगा, 4 × 4 = 4 कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आंसर। इसको देखिए पूर्णांक, इसको तोड़ेंगे पूर्णांक को तो 5 × 10 यानी कि 11/5 भागा है ना 11/5, चलिए गुना सीधे करते हैं, 22 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा कट रहा है, 11 × 11 = 2 कट रहा है, यहाँ कट गया, 11 गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा और 5 × 5 121/5, इसको तोड़िए 3 × 15 = 2 = 17 17/5 गुना 17 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा कट रहा है, इसे नहीं कट रहा है नहीं, तो क्या करेंगे 17 × 17 करेंगे तो 17 × 17 कीजिए है ना, 17 × 17 ऐसे आएगा 7 × 7 = 8 और 1 = 187 और 5 × 20 187/20। ठीक, अब यहाँ देखेंगे इसको क्या करेंगे 2/3 गुना करेंगे 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा ऐसे ऐसे कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 2×2 = 4/3 आंसर। इसको देखिए 16/25 गुना करेंगे 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा 4 × 4 = 16 5 × 5 = 25 क्या है 4/5 4 × 4 = 5 ये आंसर हो गया। कितना धड़ बन रहा है, यहाँ देखिए 2 × 1/2 तो 5 × 10 = 11 11/5 गुना करेंगे 15 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा गुना में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, काटिए इसको 5 × 5 = 15 है ना, ऐसे कट रहा नहीं कट रहा, तो 11 × 3 = 33 10 × 10। ठीक है, इसको देखिए 4/7 × 5/2 2 × 2 = 4 कट गया, तो 2×5 = 10 7/7 इसको गुना करेंगे 2×5 = 7 10/7 इस तरह से आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एकदम कंप्लीट हो गया। और हम भिन्न जो अध्याय भिन्न है, अध्याय 2 भिन्न उसको कंप्लीट कर दे, अब हम आगे अध्याय 3 में प्रवेश करेंगे। मेरे चैनल बने रहें, यदि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और यदि इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ हम भेज देंगे।